এই দুর্গাপূজার সমস্ত দর্শককে জানাই শারদীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা। This is the first time जब मैं क्या बोल रही हूँ बंगाली में बात कर रही हूँ अपने ऑडियंस के साथ। There are so many Bengali audience out here in my YouTube from all over the world. So I will talk a little in Bengali, a little in Hindi and mostly in English so that all of you understand what I'm trying to say. As you know by the title, this video is about how you can start your journey into the world of showbiz from a small city. I do not know about a lot. I know about myself, how I started, what triggered me and how I pursued. So I will give you a little bit of backstories and some of the things that I feel has led my journey from Calcutta to Mumbai. आज जो मैं हूँ उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि आज मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कौन सा शूट करती हूँ, मोर और लेस आप सबको पता ही है। कल मैं कहाँ से आई थी, मैं कैसे आई, किस तरीके से आई, क्यों सोची मैं यहाँ पे आऊँगी, तो ये सब कुछ तो आप लोगों को नहीं पता, तो वो मैं पहली बार मेरे चैनल में बताऊँगी और शायद आप लोगों को मदद मिल जाए कि किस तरीके से आप लोग शुरू कर सकते हैं। There are so many people who ask me कि बॉम्बे में आना चाहते हैं, एक्टिंग करने आना चाहते हैं तो हेल्प करते, तो उस तरीके से एक्चुअली हेल्प करना नहीं होता है क्योंकि मेरा तो कोई प्रोडक्शन हाउस है नहीं कि मैं कुछ कर रही हूँ तो उसमें किसी को एक्टिंग में चांस दे दूँ या फिर किसी को बोल दूँ कि आप इनको एक्टिंग में ले लो क्योंकि ये करना चाहते हैं। इस तरीके से भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग हम लोग को बॉम्बे में आके फिजिकली भी मिलते हैं और वो लोग चाहते हैं कि उनकी इस तरीके से मदद कर दो, पर इस मतलब डायरेक्टली आप इनको ले लो बोलने से शायद कोई नहीं लेता है। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन टेक योर रूट। जो बॉम्बे तक पहुंच जाते हैं उन लोगों के बारे में मैं बाद में बताऊंगी, जो अपने अपने शहरों में बैठे हैं और जो रास्ता ढूंढ रहे हैं मैं उन लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ। ओके, सो ये एक सोच है जो सडनली ट्रिगर होता है, मेरे में भी अचानक ट्रिगर हुआ था जब सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी और कैलकाटा के सारे न्यूज़पेपर में उनका फोटो था और मुझे तब लगा कि एक बंगाली लड़की मिस यूनिवर्स बन गई, मतलब सिर्फ बंगाल में नहीं पूरी इंडिया में नहीं यूनिवर्स तक पहुंच गई, तो मैं क्यों नहीं। मेरे दिमाग में भी ये सोच आया था। मुझे पता है बिल्कुल इसी तरीके से आप सबके भी दिमाग में कभी ना कभी किसी ना किसी को देख के ऐसा सोच आता है कि अगर ये कर सकती है या ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो वो सोच आना एक दिन तो जरूरी है और वो सोच जितना जल्दी आए, जितना बचपन में आए, आई मीन आई थिंक आई वाज इन क्लास 3 और क्लास 4 व्हेन दिस थिंग हैपेंड एंड कोई एज लिमिट नहीं है, जितना जल्दी हो, जितना जल्दी ये सोच आए उतना अच्छा है। पर ऑब्वियसली मेरे फैमिली में कोई एक्टर, मॉडल, कैमरा, डायरेक्शन किसी भी चीज़ में नहीं थे, मतलब इस इंडस्ट्री से बिलोंग बिल्कुल भी नहीं करते थे कि मैं उनको बोलूँ कि मुझे मदद कर दो और मैं आ जाऊँ। तो मैंने ये सोच अपने मन में बिठाना स्टार्ट किया। ये बुक मैंने बहुत बाद में पढ़ा, द सीक्रेट, लेकिन ये जो थॉट है इस बुक का वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं पहले से ही था। The thought is that if you want something very badly, you will have to think about it, you will have to dream about it day in and day out. और मैंने ऐसे ही सोचने स्टार्ट कर दिया था कि मैं एक्टर हूँ, मैं मॉडल हूँ और मेरा चलन और ड्रेसिंग सेंस और सब कुछ पता नहीं हुआ क्लास 3-4 से ही थोड़ा सा एक्टर टाइप का हो गया था। इनफैक्ट स्कूल में एक दिन एक मेरी क्लासमेट के साथ झगड़ा हो गया था, बेंच में किधर बैठना है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, उसको लेके झगड़ा हो गया था। तो टीचर के पास हम दोनों गए कंप्लेन करने के लिए और टीचर ने बोला देवीना को बाहर की तरफ बैठने, तो वैसे भी जूही चावला जैसे बिहेव करती है। मुझे उस टाइम पे बड़ा बुरा लगा था, टीचर मुझे जूही चावला क्यों बोली। बाद में मुझे ऐसा लगा बड़ी होने के बाद कि उस टाइम से मेरे अंदर एक हीरोइन वाली अदाएं आ गई थी, तो टीचर ने भी बोल दिया जाओ उसको, वो थोड़ी हीरोइन जैसी, उसको बाहर ही बैठने दो, इस तरीके से। So you will have to make that thought as your primary thought. You'll have to live it. You'll have to actually live it. मतलब मैं पढ़ाई कर रही थी क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब ये 6 साल मैंने अपने दिमाग में बस उस थॉट को इतना पक्का बनाया कि एक दिन मुझे दिख गया एक एड जहाँ पे लिखा था कि मिस कैलकाटा के लिए एंट्रीज मांग रहे हैं लड़कियों का। और मैं एक्चुअली मुझे लगता है कि उसी दिन से क्लास 3 से मैं रोज ढूंढती थी ऑब्वियसली मेरी एलिजिबिलिटी नहीं हुई थी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, फिर धीरे धीरे बड़ी हुई, बहुत साल मिला भी नहीं, फिर एक दिन मिल गया। मैंने मम्मी को दिखाया, माय मॉम अग्रीड एंड वी पार्टिसिपेटेड। आज मैं उस फोटो को आपको दिखाऊंगी। दिस इज द फर्स्ट ब्यूटी पेजेंट जो मैं पार्टिसिपेट करी थी। आई वॉज 16 ईयर ओल्ड 15 ईयर ओल्ड में भी, एंड मेरा कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं था क्योंकि मैंने कहा कि ये थॉट को मैं लिव करने लग गई थी। तो इसीलिए जब भी मिस इंडिया पेजेंट होता था टीवी में, मैं उसको बैठ के देखती थी। वो लोग जैसे चलते थे मैं वैसे चलने की प्रैक्टिस करती थी, वो लोग जैसे जवाब देते थे, बात करते थे स्मार्टली, वो सब स्मार्टनेस अंदर लेकर आई। मिरर के सामने खड़े खड़े सवाल जवाब देती थी, करती थी अपने आप को ही। वो जितने क्वेश्चंस होते थे हर साल के, जिस तरीके से हम लोग बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करते रहते लास्ट 10 इयर्स क्वेश्चंस के आंसर करते। आई होप आप सब करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से लास्ट 10 इयर्स के सारे क्वेश्चन के आंसर मैं करती थी, मिस इंडिया के, मिस यूनिवर्स के, मिस वर्ल्ड के। तो मुझे मेरी बात करने का तरीका ही वैसा हो गया था। Yeah, so actually this is what it would happen. I would think that I would do like this. I would think that I would do like this. ऐसा लगता था। मैं normally भी बात करती थी तो लगता था मैं मिस इंडिया का जवाब दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट तो कर लिया लेकिन मैं फर्स्ट राउंड में ही एलिमिनेट हो गई। और आज मुझे बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि मैं फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट हो गई, बिकॉज मैं बैठ के देखी उस कॉन्टेस्ट को एंड तक, बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी द गर्ल हु विन. What is she? Who is she? And how is she? I actually practically absorbed everything, observed everybody. और मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं बन सकती हूँ, मेरे में ग्रूमिंग कम है। और 1 साल मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रूम किया। That was in class 9. मैंने पूरे अपने आप को 1 साल ग्रूम किया, वही देख देख के। So if you are there in your village, in your city, which is not in Mumbai, काफी दूर है और आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मुझे जल्दी मुंबई पहुंच जाना है, मुंबई जाते ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अपनी जगह पे बैठ के प्रिपेयर करिए, टेलीविजन देखिए, वहाँ पे आपको जिसको आप आइडियलाइज करते हैं उसको देख के आप अपने आप को ग्रूम कीजिए, बिकॉज दैट इज वेयर द प्रिपरेशन इज। उसके बाद मैंने एक लोकल ब्यूटी पेजेंट कलकत्ता का शारद नोंदिनी बोल के एक पेजेंट था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। मेरे बंगाली बहुत सारे लोग जानते होंगे इसके बारे में। एंड दिस इज हाउ आई वाज, ओ माय गॉड, सो फैट। पर मैंने इतना खूबसूरत जवाब दिया कि मैं इसको जीत गई थी। आई वाज अ विनर। और न्यूज़पेपर में लिखा भी हुआ है, मेरे पापा सब कुछ को कटिंग कर करके रखे भी है, लिखा है भद्र पोशाक और फैशन शो हॉल। एंड आई वाज द विनर एंड दीज आर द टू। बेबी फैट था, थोड़ी मोटी सी थी, लेकिन मैंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया था। और विनर हर जगह न्यूज़पेपर में आया था। कतोटा बांगाली जाचाई करी शारद नंदिनी, बंगाली में जवाब देना था और मैं ब्यूटी पेजेंट जीत गई थी। एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके बाद लैक में शारदा तिलोत्तमा में मैंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे भी मैं रनर अप बनी। और ये देखिए, दिस इज मी, दिस इज मेघना, दिस इज रेशमी घोष। इनको भी आप जानते हैं, ये भी काफ़ी नामचीन एक्टर रह चुकी है, मिस इंडिया रह चुकी है। तो ये था, वहाँ पे मैं पार्टिसिपेट करी और यहाँ पे भी जीती। यहाँ पे रानी मुखर्जी भी आई हुई थी उस साल और रानी मुखर्जी वॉज द जज। एंड दिस इज अपूर्णा सेन। और बंगालीज तो सब जानते ही होंगे और जो नॉन बंगालीज है वो उन लोगों के लिए भी बता दूँ। एंड दिस इज रानी मुखर्जी। शी टोल्ड मी that Debina, you smile very less, you must smile more often. So इतने सारे भीड़ में रानी मुखर्जी ने मुझे एक छोटी सी एडवाइस दी और मैं उस एडवाइस को जिंदगी में एकदम जहन में बिठा लिया, बिकॉज आई थॉट दैट एवरीथिंग इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। कोई भी आपको छोटी सी भी कुछ बोले उसको हमेशा नजरअंदाज मत करिए, उसको हमेशा मत सोचिए कि मुझे क्यों बोला, मुझे क्यों टोका, उससे सीख लीजिए। मैं उसकी बात से हंसना सीख लिया, जब भी मैं कुछ करती थी मैं मुस्कुराहट को पहनना सीख लिया, एंड दैट वाज आल्सो वन लर्निंग एक्सपीरियंस। उसके बाद क्योंकि मैं शारदा तिलोत्तमा जीती थी, उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग अ फ्यू कैंपेन्स। ये देखिए, दिस वाज माय फर्स्ट कैंपेन फॉर मॉडर्न गिनी हाउस। मैं बहुत ही क्यूट लग रही हूँ, थोड़ी मोटू मोटू सी। ये भी उसी टाइम का ही है, सेम टाइम का। और ये और एक फोटो है। मैं मेरा फर्स्ट पोर्टफोलियो दिखाती हूँ। इससे मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सब कुछ मन से किया, जो टीवी में देखा था, हीरोइनों को देखा था जैसे पोज करते हुए वैसे किया। आज देखूँ तो ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन उस टाइम के लिए वो काफ़ी अच्छा था। और यही सारे फोटो से मुझे काफ़ी काम मिलने लगा था कलकत्ता में। और 5 इयर्स मैंने कलकत्ता में खूब सारा काम किया, खूब सारा, बहुत सारा टीवी कमर्शियल्स, बहुत सारा एड फिल्म्स, बहुत सारा प्रिंट एड्स। ये भी एक प्रिंट एड में आता है, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स का एक एड मैंने किया था। इसके बाद लोग मुझे काफ़ी रोड पे पहचानने भी लग गए थे। तो इस वीडियो का सारांश ये है कि बिना किसी पहचान के, बिना किसी बैकग्राउंड के, बैकग्राउंड इन द सेंस इस इंडस्ट्री में कोई बैकग्राउंड नहीं है कि मेरे माँ बाप, दूर दादी नानी, मतलब कोई भी इस इंडस्ट्री में नहीं थे, लेकिन सिर्फ सोच था। सोच आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर आप आना चाहते हैं। और परसिस्टेंस, मतलब अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, छोड़ देते हैं, ये सोच को निकाल देते हैं, दूसरा चीज अपना लेते हैं। उस चीज के पीछे लगे पड़े रहना, उस सोच को दिमाग में ठान लेना और उसी डायरेक्शन में जाना, ये है पहला कदम। तो आज मैं इस वीडियो में सिर्फ पहला कदम ही बताऊंगी और उसमें भले ही टाइम लगेगा, लेकिन आप पहुंचेंगे आपके मकसद पे। आपको आपका ड्रीम छोड़ना नहीं है, आपको आपके ड्रीम में लगे रहना है। यू विल हैव टू स्टार्ट लिविंग योर ड्रीम एवरी मिनट, एवरी सेकेंड। पर हाँ, मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, मैं पढ़ाई में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आती थी, और फर्स्ट नहीं आती थी, सेकंड थर्ड आती थी अपने क्लास में। और हमेशा सुबह शाम ये सोच को दिमाग में मैं जिंदा रखी थी और इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। ये तो था मेरा शुरुआत करने की जर्नी। और एक वीडियो में मैं बताऊंगी कि कलकत्ता से बॉम्बे तक मेरा ये सफर किस तरीके से था और बॉम्बे में आने के बाद किस तरीके से कौन कौन से कोऑर्डिनेटर या किसी से मुझे काम मिला, वो सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपको बहुत जोर से जानना है, मुझे जोर से कमेंट्स में लिखिए। मैं आप लोगों के लिए धीरे धीरे हाउ टू गेट इनटू एक्टिंग, हाउ टू डू इट, वेयर टू गो, how to start, how to think. Maybe I will talk all those things in details. And thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe to the Beena Takeouts. I love you.